जनता समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबरों की ओर। रीवा जिले के मनगावा फ्लाईओवर में आधी रात एक भयानक हादसा हो गया। इस दुर्घटना में मृतक की लाश क्षतविक्षत हो गई, जिससे शिनाख्ती कर पाना मुश्किल हो रहा है। सूत्रों की माने तो शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात्रि पैदल जा रहे राहगीर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारते हुए कुचल दिया। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। इधर पूरी रात चार पहिया वाहन चालक लाश को रौंदते हुए निकलते रहे। शनिवार की सुबह स्थानीय लोगों का शंका हुई तो पुलिस को सूचना दी। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से लाश के टुकड़े को समेटते हुए अस्पताल भिजवाया। हालांकि अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि पूरा शरीर पिचककर टुकड़ों में बट गया है। फिलहाल मनगावा पुलिस अपने स्तर से शिनाख्ती के प्रयास में लगी है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और टोल नाकों के कैमरे से ट्रकों को जांचा जा रहा है। लेकिन छत बिछत लाश की शिनाख्ती करना किसी चुनौती से कम नहीं। सुबह तो लोग पहले मवेशियों की डेड बॉडी समझ रहे थे, फिर कुछ विशेषज्ञ ने मानव जाति की लाश होने का दावा किया। अतः यह तय हुआ कि लाश किसी पुरुष की है। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।